पुस्तक न्यास के अध्यक्ष श्री बलदेव राज शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। उनका आशीर्वाद तो हमें मिले ही, साथ ही कुछ वचन वे हमें धरोहर के रूप में भी प्रदान करके जाए। जब इस पुस्तक मेले का उद्घाटन हुआ था, उसकी थीम को भी स्पष्ट कर दिया गया मानुष, किंतु आज एक युवा लेखक ने भी अपने मन की बातों को दोहराया, सुधी समाज के सम्मुख रखा, आक्रोशों का सामना किया। मेरा अनुमान है ये सारी की सारी बातें, ये सारे के सारे भाव, ये सारे के सारे विचार अंत एक धरोहर के रूप में सम्मिलित किए जाएंगे। मैं बड़े आदर के साथ आदरणीय और सम्माननीय श्री बलदेव राज शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वह राजीव जी को पुत्र वत्सल रूप में कुछ आशी वचन देकर कृतार्थ करें। श्री बलदेव राज शर्मा जी, आदरणीय राज साहब, केंद्रीय मंत्री, माननीय उरांव जी, माननीय लल्लू सिंह जी और बच्चन मित्रों, इस अवसर पर पहले तो मैं राजीव जी को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसे विषय को लिपिबद्ध करके पुस्तक रूप में सबके पास पहुंचाने का प्रयत्न किया है, जो रेडियो के माध्यम से देश के कोने कोने में पहुंच चुका है। रेडियो में तो सुन लिया और सराह लिया और भूल गई, लेकिन वही बात है जब पुस्तक रूप में हमारे पास रहेंगी तो हम बार बार उनको पढ़ और समझ सकते हैं। और मुझे लगता है इस देश के लगभग 70 वर्ष के लोकतांत्रिक इतिहास में आज़ादी के बाद ये पहला अवसर है कि जब किसी प्रधानमंत्री ने ये चिंता की हो कि इस देश की सरकार कैसे चले, सरकार के उद्देश्य क्या हो, सरकार को किन सामाजिक सरोकारों को प्राथमिकता में लाना चाहिए, ये तय करने के लिए देश की जनता की बड़ी भूमिका है। और जनता से वो आह्वान करते रहे कि मुझे बताइए इस देश के लिए क्या क्या किया जाना है। और जब मन की बात में इस जनभागी के द्वारा मिले हुए सुझावों के बाद वो बहुत सारी बातों का उल्लेख करते थे, यहां तक कि अमुक व्यक्ति ने मुझे पत्र लिखा, उसका नाम उल्लेख, ये प्रस्ताव भेजा, ये सुझाव भेजा, ये ईमेल भेजा। और उस बात को जब प्रधानमंत्री आकाशवाणी के माध्यम से पूरे देश में बोल रहे हैं तो व्यक्ति को लगता था कि जो सरकार चल रही है इसमें मेरी भागीदारी भी है। और मित्रों, यही सच्चा लोकतंत्र है कि सरकार चलाने वाले लोग जनता से पूछें। आखिरकार लोकतंत्र में जो परिभाषा दी जाती है, नागरिक शास्त्र में हम लोग 6वीं-7वीं से पढ़ते रहे हैं, जनता के द्वारा जनता की, जनता के लिए सरकार। लेकिन दिल्ली में बैठे हुए लोग खुद अपने तरीके से फैसले लेते रहेंगे तो सरकार जनता के लिए काम, और इस सरकार से पहले यही होता रहा। तो मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदार, न केवल भागीदार बनाया बल्कि उन सारे अहम
जिन्हें जनता चाहती है कि इस देश में वो क्रियान्वित हो, उन पर उन्होंने जोर दिया। और मन की बात केवल बोलने के लिए नहीं थी, उन बातों का कितना असर हुआ। प्रधानमंत्री ने देश में स्वच्छता का आह्वान किया, कन्याओं की सुरक्षा, उनको बढ़ाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने नशाखोरी पर रोक लगाने का आह्वान किया। ऐसे बहुत सारे मसले जो देश की सुरक्षा के लिए और इस देश के उन्नयन के लिए जरूरी थे, वो सारे मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री कहते रहे, सरकारी आदेशों के रूप में नहीं, बल्कि जनता के बीच में एक भावना है। जनता को लगे कि अगर प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी इस समाज के और देश के उन्नयन में है। और मन की बात के द्वारा जिन जिन मुद्दों को प्रधानमंत्री ने जनता के सामने रखा, उनका बहुत अच्छा परिणाम भी सामने आया है। एक विशेषता इस मन की बात की रही कि लाख आलोचनाओं के बाद भी प्रधानमंत्री ने इस मन की बात का सरकारीकरण और राजनीतिकरण नहीं होने दिया। ये बहुत महत्व की बात है। सरकार चलाने वाले लोग और राजनीति में रहने वाले लोग हर चीज को खींचकर राजनीति के केंद्र में ले आते, लेकिन प्रधानमंत्री ने बहुत सावधानी बरती। आलोचनाओं के बावजूद जो विरोध पक्ष में लोग हैं वो लगातार कहते रहे, प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर मन की बात में क्यों नहीं बोलते, प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर मन की बात में क्यों नहीं बोलते। लेकिन प्रधानमंत्री ने शायद ये तय कर रखा था कि जो मन की बात है ये राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं है, ये जन जागृति के लिए है। और मित्रों, बिना जन जागृति के लोकतंत्र कभी पूरा नहीं होता है। भारत में लोकतंत्र की संकल्पना, कई बार लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमें सिखाया लोकतंत्र, ये अलग बात है कि जो हमारा संविधान है उसमें 3/4 हिस्सा तो अंग्रेजों के संविधान का ही है, लेकिन भारत में तो लोकतंत्र की अवधारणा राम राज्य के समय से रही। वाल्मीकि रामायण में राम के जिस प्रशासन का उल्लेख आता है उसमें एक जगह राम कहते हैं, दयां च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि लोक आराधनाय लोकस्य मुंचते नास्ति व्यथा। शासन करने को राम लोक की आराधना बताते हैं। राजा होकर मैं सुख भोगने के लिए नहीं हूं, प्रजा की आराधना के लिए हूं, और उस प्रजा की आराधना के लिए मुझे अपने गुणों को भी छोड़ना, जिन गुणों के लिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं उन गुणों को भी छोड़ना पड़े और जानकी को भी छोड़ना पड़े, तब भी मैं लोक आराधना से विचलित नहीं हुआ। और इसलिए राम का जो आदर्श है वो देश की स्वाधीनता के बाद गांधी जी ने कहा कि भारतवर्ष में शासन व्यवस्था राम राज्य पर आधारित है। इस मन की बात के माध्यम से ऐसे बहुत सारे विषय हम सबके सामने आते रहे हैं, लेकिन वो पुस्तक रूप में हमेशा हमारे सामने रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा उपयोग का समाधान हमको राजीव ने दिया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।